कोविड टीकाकरण अभियान के तहत शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित कुल 209 केंद्रों पर 28,517 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 26,291 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,026 लोग शामिल हैं। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ और 1 दिव्यांग स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके अलावा 7 ब्लॉकों पर टीकाकरण का कार्य किया गया है। CMO ने कहा कि टीकाकरण के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर टीकाकरण करा रहे हैं। CMO ने बताया कि शुक्रवार को विकास खंड बेलघाट में 1,708, पिपराइच में 2,070, ब्रह्मपुर में 2,248, खजनी में 2,708, जंगल कौड़िया में 2,607, कैंपियरगंज में 1,646 और पाली ब्लॉक में 1,890 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जिले में 209 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से 2 हमारे महिला स्पेशल चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल चल रहे हैं, 1 हमारे नगर निगम में स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, जो 1 हफ्ते से लगातार चल रहा है, और बाकी जगहों पर हमारा 18 प्लस के सभी लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारा लक्ष्य जो है, सरकार ने अभी 20,000 का निर्धारित किया है, लेकिन पिछले 4 दिनों से हम 27,000 28,000, कल हमने 31,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया है, तो आज भी हम 30,000 से ऊपर का वैक्सीनेशन करेंगे।